हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल थॉन फिजिक्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है हमारा बायोट सेरेट्स लॉ, और यू कैन कॉल इट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट। आज हम बायोट सेरेट्स लॉ जो हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट कितना होगा। आपके पास कोई छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है, उसकी वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम किसके हेल्प से फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बायोट सेरेट्स लॉ। इसी ला को ही हम फिर स्टेट कंडक्टर के लिए भी हम यूज करेंगे, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ही। और इसी ला को हम ड्यू टू सर्कुलर वायर के लिए भी हम यूज करेंगे, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होगा उसके लिए भी हम इसे यूज करेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना ये ला हमें क्या बताता है। सबसे पहले जो हमारे पास बायोट और सेरेट्स ये दो साइंटिस्ट थे, हमारे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जीन बैप्टिस्ट बायोट और फेलिक्स सेवरेट, इन दोनों ने मिलकर ये ला दिया था। और स्टेट ने जब एक्सपेरिमेंट किया था 1820, उसके बाद से ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर बहुत सारी थ्योरी जो स्टार्ट हो गई थी, एक्सपेरिमेंट वगैरह स्टार्ट हो गए थे, तो वहीं से ही इन दोनों ने भी ये मिलकर ला दिया। अगर आपको किसी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास ये कोई करंट एलिमेंट है, ये आपके पास कोई वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, इस वायर में से करंट पास हो रहा है, तो हम कंप्लीट वायर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे करंट एलिमेंट की, छोटे से एलिमेंट। मान लीजिए इस वायर की जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली आपके पास 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, हम सिर्फ छोटे से एलिमेंट की बात करें, करंट एलिमेंट मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर, इतने से छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। करंट एलिमेंट का मतलब क्या है? छोटा सा लेंथ, छोटा सा हिस्सा, उसमें करंट पास हो रहा है, उसे हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से 0.1 सेंटीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर, इतने से एलिमेंट की वजह से अगर आपको किसी पॉइंट पे या किसी जगह पे ये देखना है हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, तो ये हमें बताता है बायोट सेरेट्स लॉ। जैसे ग्रेविटेशन लॉ हमें बताता है फोर्स के बारे में ड्यू टू टू मैसिव बॉडी, सेम ऐसे ही आपको जैसे फोर्स के बारे में आपको कूलम्स लॉ भी बताता है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, सेम ऐसे ही है किसी करंट एलिमेंट की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो वो हमें बताता है बायोट सेरेट्स लॉ। इसके एप्लीकेशन भी हम स्टडी करेंगे आगे, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कैसे करते हैं ये लॉ हमें क्या बताता है, आपके पास मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है, ये जो आपको दिखाई हुई है ये कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है, आई करंट जो है वो इसमें से पास कर रहा है। हमें यहाँ पर छोटे से एलिमेंट की वजह से, ये मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया यहाँ पर, ये करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है dl, इस करंट के लिए एलिमेंट की लेंथ कितनी है dl स्टूडेंट्स, हमारे पास dl इस करंट कैरिंग एलिमेंट के हमारे पास लेंथ, बिल्कुल छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा। हमें इस dl लेंथ के एलिमेंट की वजह से जिसके अंदर I करंट पास हो रहा है उसकी वजह से करंट बताना है कितना, ये कौन बताता हमें? बायोट सेरेट्स लॉ। तो बायोट सेरेट्स लॉ हमें क्या बताता है कि किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से आपके पास जिस भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास करंट एलिमेंट डीएल है, इससे यहां पर आप किसी पॉइंट पी के ऊपर, इस पॉइंट पी के ऊपर आप देखना चाहते हो यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो छोटे से एलिमेंट की वजह से आपको छोटा सा ही मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, इसलिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी बी से। कहीं पे भी ले सकते हो आप इस पॉइंट को, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहां पर, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे एंगल के थ्रू, जितना भी एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर इस पॉइंट पी के ऊपर आपको करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल की वजह से जिसमें आई करंट पास हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है कितना होगा, तो पहले इसको यहाँ पर, इस पॉइंट को यहाँ पर मिलाइए इसके साथ, ये मान लीजिए आपके पास जो पोजिशन वैक्टर है आर, हमारे पास ये पोजिशन वैक्टर है या इसके बीच की जो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आर है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां पर ये जो एंगल जो बन रहा है इनके बीच में वो एंगल बन रहा है थीटा। तो बायोट सेरेट्स लॉ हमें क्या बताता है कि यहां पर आपको इस पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा इस करंट एलिमेंट की वजह से वो हमारे पास कितना होगा, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये हमें बताता है ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग इन द करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट में करंट कितना फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसमें से कितना करंट फ्लो हम मान करके चल रहे हैं आई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। देख स्टूडेंट्स, अब हम बार बार हम ये चीजें नहीं दिखाएंगे जैसे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ,
यहाँ पर बैटरी कनेक्ट है, यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है, तो इसमें से करंट जाएगा हायर टू लोअर। अब ये हम बार बार नहीं लेकर के चलेंगे, अब आप ये इसको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर बहुत बार पढ़ चुके हो, तो अगर इसको यहाँ पे मैं दिखा दिया है कि यहाँ से आई करंट जा रहा है, इट मीन्स ये किसी ना किसी सोर्स से कनेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से जो सबसे पहले हमें बताता है बाय सेल्स लॉ कि इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पी के ऊपर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास होगा वो सबसे पहले किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डियर स्टूडेंट, जो उस करंट कैरिंग एलिमेंट में से जितना करंट पास आउट हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ के। दूसरा, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट एलिमेंट की लेंथ के, जो आपके पास लेंथ यहाँ पर जितने छोटे से पार्ट के लिए आप वहां पर देखना चाहते हो फील्ड है कितना, उसकी लेंथ कितनी है, डीएल जो हम लेकर के चल रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा, ये फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यहां पर ये इनके बीच में करंट एलिमेंट और जिस पॉइंट से आपने ये मिलाया है इसको, इनके बीच में आप बोल सकते हैं ये जो हमने नाम दिया था इसका पोजिशन वेक्टर आर, या हम कहें मैग्नीट्यूड जो इसका वो आर मीटर है और डायरेक्शन इसकी इधर की साइड है, तो इस करंट एलिमेंट और इस पोजिशन वेक्टर के बीच में एंगल जो बन रहा है थीटा, इसके साइन कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है। और फोर्थ जो कंपोनेंट है जो हमारे पास ये है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब कहने का यहां पर इस करंट एलिमेंट और इस पॉइंट पी के बीच की जितनी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारे पास कूलम्स लॉ था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, सेम ऐसे ये चीजें हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। जैसे कूलम्स लॉ था एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वन, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आती थी, सेम ऐसे ये हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं, उसी के एनालॉगस आप इसको बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पर आपको जो इस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलेगा इस पी पॉइंट पे, वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा क्योंकि करंट एलिमेंट जो है वो छोटा सा, उसकी लेंथ जो है छोटी सी है यहाँ पर। तो करंट एलिमेंट की वजह से जो आपको फील्ड जो देखने को मिलेगा वो किस किस के टाइप की प्रोपोर्शनल होगा, करंट कितना पास हो रहा है उस एलिमेंट में से उसकी स्ट्रेंथ के, उसकी डिस्टेंस कितनी है, सॉरी उसकी लेंथ कितनी है एलिमेंट की, उसके उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है पोजिशन वेक्टर और इस एलिमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है उसके साइन कंपोनेंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास यहां पर इस एलिमेंट से इस पॉइंट पी के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो जब हम इन सबको इकट्ठा लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम नाम देते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, के आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अब इस के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, के की वैल्यू जो हमारे पास होती है सीजीएस सिस्टम में, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, सीजीएस सिस्टम में के की जो वैल्यू है वो 1 होती है। तो सीजीएस सिस्टम में अगर मैं लिखता हूं तो मैं डिफरेंट क्या लिखूंगा, आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको पहले बता रखा है हम सीजे सिस्टम में कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व नहीं करेंगे, आपको जो भी कैलकुलेशन करनी हो एसआई सिस्टम में करनी है। तो एसआई सिस्टम में इस के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, के जो है वो हमारे पास होता है म्यू नोट अपॉन 4π, के इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4π। म्यू नोट हमारे पास क्या है, म्यू नोट है हमारे पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आई थी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, सेम ऐसे ही हमारे पास इसके अंदर आता है, मैग्नेटिज्म के अंदर आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एक्चुअल में है क्या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें भी अच्छे से हम ये सारी चीजें करेंगे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस फॉर मीडियम। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसी सब्सटेंस की या किसी मटेरियल की उसकी कितनी एबिलिटी है मैग्नेटाइज होने की, उसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का, और अच्छे से हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां से जब मैं इस के की वैल्यू रखता हूं तो सीजे सिस्टम एसआई सिस्टम में क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4π आईडीएल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट हुज लेंथ इज डीएल।
अब आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो म्यूनोट जो है, म्यूनोट जो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 4π × 10⁻⁷। और अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, इधर की साइड मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, और इधर मीटर, मीटर स्क्वेयर मीटर, इधर आकर के मीटर, और एम्पियर, इधर आकर के एम्पियर इनवर्स। तो ये इसकी वैल्यू होती है इस कॉन्स्टेंट की, म्यूनोट की, 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये म्यूनोट की वैल्यू, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू, कॉन्स्टेंट की अगर कंप्लीट की वैल्यू लिखते हैं म्यूनोट अपॉन 4π की, तो वो कितनी हो जाएगी, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है जो हम न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू यूज करेंगे। ये हमारे पास इसकी यूनिट है। डायमेंशन फॉर्मूला भी हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, म्यूनोट का कितना होगा। अगर हम यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं तो म्यूनोट का जो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, db × 4π × r² / dl × sin θ × i। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, db का हमारे पास क्या आया था डायमेंशन फॉर्मूला, जो आया था हमारे पास MAT-1 4π कांस्टेंट r l2 l, ये इसका कुछ नहीं होता करंट का, A × t। तो इसे आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, म्यू नोट ML1T-2। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है। कुछ अगर करेक्शन है तो आप देख लेना, ये जो लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था इसकी वैल्यू देख लेना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की हमने डायमेंशन फॉर्मूला सही रखा है नहीं रखा। तो ये हमारे पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ये इसकी यूनिट है, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट करंट कैरिंग एलिमेंट हुज लेंथ इज dl। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से इससे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात करते हैं, सबसे पहले तो यहां पर जो हमारे पास फॉर्मूला जो आया है म्यूनोट अपॉन 4π व्हिच इज की वैल्यू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, आई जो है हमारे पास करंट जिसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं, डीएल जो हमारे पास लेंथ ऑफ द कंपोनेंट और एलिमेंट फॉर विच यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट पी। इसमें जो हमारे पास डीएल जो है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है डीएल मीटर, और उसकी डायरेक्शन जो होती है उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में करंट है। अगर ये नहीं है आपको पता है तो आप इससे पिछले वाला लेक्चर वीडियो जो है मेरा देख सकते हो, जो हमने फाइंड आउट की थी वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसमें जो हमने जो लेकर के चले थे करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जिसकी लेंथ एल थी, सेम वैसे ही यहाँ पर हमारे पास जो डीएल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है डीएल मीटर, मीटर में हम इसको मेजर करेंगे, और इसकी डायरेक्शन जो है वो वही होती है जिस डायरेक्शन में करंट होता है। करंट यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है और डीएल यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड डीएल होता है मीटर के अंदर, और डायरेक्शन जो है वही होती है जिस डायरेक्शन में करंट होता है। तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर कई बुक्स में इसको ऐसे लिख देते हैं डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई क्रॉस डीएल अपॉन आर स्क्वायर, जो गलत है क्योंकि यहां पर आई जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, साइन थीटा जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आता है लेकिन वो वेक्टर्स के लिए आता है, आई यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इसे हमें वेक्टर प्रोडक्ट में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसको आर से मल्टीप्लाई कर दू, आर से डिवाइड कर दू, तो क्या आएगा मेरे पास, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई कर दिया आर से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल आर इसके साथ लिख दू साइन थीटा अपॉन आर क्यू। तो देखिए अब हमारे पास dl जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, r जो है पोजीशन वेक्टर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल क्रॉस r अपॉन आर क्यू। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की इन वेक्टर फॉर्म, क्या आ जाती है, डीबी इज इक्वल टू जो इसमें आई थी
मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और जो हमारे पास आई है वेक्टर के टर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारे पास आएगी इसकी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी से ही हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। कैसे बताएंगे वो देखिए, यहां पर डीएल जो है आपके पास करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ हमारे पास डीएल है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी वही डायरेक्शन उसकी हम लेकर के चलेंगे एलिमेंट की। आर जो है पोजिशन वेक्टर। तो यहां पर देखिए अगर आपके पास सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं करंट की डायरेक्शन, क्योंकि जो डायरेक्शन करंट की होगी वही इस लेंथ की हम लेकर के चलेंगे जिस डायरेक्शन में करंट है। फॉर एग्जांपल वो मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस में है और ये आपका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब जो आपको पॉइंट गिवन है, जो यहां पर आपको निकालना है वो आपको वाई एक्सिस में गिवन है। तो वाई एक्सिस में गिवन है तो ये आई ये जे। तो अब पूछता है कि बताइए कि वहां पर उस पॉइंट पी के ऊपर जो आपका वाई एक्सिस में है उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिलेगा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कैसे करेंगे, डीएल क्रॉस आर, डीएल है एक्स में यानी आई और आर है वाई में यानी जे, आई क्रॉस जे हमारे पास क्या होता है के, के मीन्स प्लस के मीन्स प्लस के जेड एक्सिस। तो उस केस में आपको जो मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलेगा वो इधर की साइड आपको देखने को मिलेगा प्लस के जेड एक्सिस के अलोन। तो यहां से हम वेक्टर रूल का अप्लाई करके यहाँ पर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है, कंप्लीट चैप्टर में ये रूल काम आएगा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो पूछेगा और हर न्यूमेरिकल में पूछेगा। तो इसको ध्यान से समझना है, एक न्यूमेरिकल लेकर के भी समझा देंगे। तो अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू आई है मैग्नेटिक फील्ड की दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर आर। तो यहां से आप देख सकते हो अगर इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, इफ थीटा इज 0 डिग्री देन मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब 0 डिग्री का क्या मीनिंग है, मतलब स्टूडेंट्स 0 डिग्री का क्या मतलब, यहां पर थीटा 0 है, ये आपके पास करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, जिधर की साइड करंट हम इधर की साइड करंट लेकर के चल रहे हैं तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी यही है ऊपर की साइड, और ये हमारे पास पोजिशन वेक्टर आर, ये पॉइंट पी, यहां पर पॉइंट पी जो है यहां पर ये एंगल बीच में थीटा। अब थीटा जो है 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब पी पॉइंट जो आपका लाई करेगा वो इसी एक्सिस पे लाई करेगा जिसके ऊपर आपका डीएल कंपोनेंट लाई कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आई जा रहा है। तो मतलब कहने का पी अगर यहां पर इसी एक्सिस के ऊपर हो गया, जैसे ये आपके पास ये डीएल की डायरेक्शन हो गई इस डायरेक्शन में और थीटा 0 मतलब ये पी भी पॉइंट पे आपका यहीं पे आ गया, तो अब आपको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके चलेंगे स्टूडेंट्स थीटा का, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर में ये आपको फिर आगे तंग करेंगे। तो यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। सेम ऐसे ही अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी तब भी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, और अगर यहां पर थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री का मतलब जैसे यहां पर ये आपके पास करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, इधर करंट जा रहा है उधर की साइड, और ये आपके पास जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है वो ये, अगर इनके बीच में एंगल अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है उस केस में आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यहां पर देखने को मिलता है। और कितना देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, इतना हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। यहां पर दिखाया भी गया है, ये मान लीजिए आपके पास कोई छोटा सा करंट एलिमेंट है, ये रहा छोटा सा करंट एलिमेंट, करंट की जो डायरेक्शन है वो इधर की साइड है, एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा है करंट, ये करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ डीएल है छोटा सा है, तो इसका एक्सिस जो हम बनाएंगे वो उसी एक्सिस के अलोंग बनाएंगे जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये इसका एक्सिस हो गया। यहां पर ये देख सकते हो मान लीजिए इस पॉइंट पी, यहां पर अगर आपका पॉइंट पी यहां पर है तो ये करंट भी इसी डायरेक्शन में, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी यही है और पोजीशन वेक्टर भी इधर है थीटा 0। तो यहां पर आपको इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो इस केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा, यहां पर इस वाले केस में थीटा अगर 0 है तो। यहां पर अगर देखोगे इस पॉइंट पी के ऊपर तो यहां पर कुछ थीटा की वैल्यू है, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, इससे ऊपर जाओगे और बढ़ जाएगा, इस पॉइंट पी के ऊपर थीटा इंक्रीज हो रहा है, इससे ऊपर जाओगे थीटा और इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पर और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। यहां पर आकर के हो गया थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो गया, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा मैक्सिमम।
और थीटा जीरो पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा मिनिमम। तो ये हमारे पास होता है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड और मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मान लीजिए आपको डायरेक्शन बतानी है तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे बताएंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वो कह देता है कि आपके पास कोई करंट एलिमेंट है, करंट फ्लो कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर कोई आपके पास करंट एलिमेंट है यहाँ पर इसी के अलोंग है एक्स एक्सिस के अलोंग, और यहाँ पर उसकी वजह से वाई एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पी के ऊपर बताइए कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलेगा इस पॉइंट पी के ऊपर उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो देखिए कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इससे डायरेक्शन नहीं मिलेगी, डायरेक्शन बताने के लिए वेक्टर फॉर्म लिखनी पड़ेगी। db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस r अपॉन r क्यूब। तो हमारे पास dl किधर की साइड है, जिधर की साइड करंट है, करंट x एक्सिस के अलोंग, तो dl की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, और जो हमारे पास r है, r यहां पर आपका पोजीशन वेक्टर ये है, इस पॉइंट के ऊपर आपको करंट एलिमेंट से इतनी डिस्टेंस r के ऊपर यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो एंगल हो गया दोनों के बीच में 90 का, उसका हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन बताएंगे तो देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या होता है आई कैप, ये हमारे पास वाई एक्सिस जे कैप, तो यहाँ पर डीएल के लिए आई कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्वल होता है हमारे पास के कैप, के कैप मतलब प्लस का के मींस प्लस जेड एक्सिस। तो इस पी पॉइंट के ऊपर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, वो इधर की साइड आपको देखने को मिलेगा प्लस के जेड एक्सिस। तो इस तरीके से आप अलग अलग डायरेक्शन लेकर के सभी के लिए आप डायरेक्शन बता सकते हो, ये हर एक न्यूमेरिकल में आपसे पूछेगा, तो इसको आप पहले से ही क्लियर कर लें। और ये रूल भी आप याद रखें, I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, K क्रॉस I इज इक्वल टू J, एंड अगर रिवर्स है J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K, K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I, एंड I क्रॉस K इज इक्वल टू माइनस J। बस ये आपको रूल याद होने चाहिए, उसके बाद डायरेक्शन बताने में कुछ नहीं है। अब हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कुछ एक और पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा चीजें। जो हमारे पास डीबी की जो वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इन वेक्टर फॉर्म, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। जैसे मैं यहां से अगर इसको चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में लिखना चाहूं तो चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में लिख सकता हूं, आई मेरे पास क्या होता है dq by dt, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा i की जगह dq by dt, तो mu not upon 4 pi dq by dt, तो इसके upon में लिख देता हूँ dl by r upon dt upon r cube। तो ये हमारे पास क्या होता है dl by dt is equal to velocity, तो i is equal to sorry db is equal to mu not upon 4 pi dq v क्रॉस r अपॉन r क्यूब। तो आप इसको चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो। और इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, दोनों के बीच में हमारे पास एक रिलेशन आता है मैग्नेटिक परमिटिविटी और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बीच में, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर भी आएगा। वो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, जो हमारे पास म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट जो हमारे पास होता है, जो अभी हमारे पास जो वैल्यू आई 4 पाई इंटू 10 इज टू पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, सेम ऐसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू जो आई थी आपके पास 8.85 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर इनवर्स जो भी थी, जब आप इन दोनों को सोल्व करते हो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करते हो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की, या आप इसको अगर ऐसे नहीं करते हो तो ऐसे कर लो 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो और 4 पाई से डिवाइड कर दो, तो 4 पाई ये हमारे पास आ गया 1/4 pi, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये वैल्यू हमारे पास 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस, जब आप इसे सोल्व करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू
आएगी 1/c². c² इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट या c इज इक्वल टू 1√μ0/ε0। इन दोनों की मल्टीप्लाई का जो रेसिप्रोकल जो हमारे पास आता है वो स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहीं से ही मैग्नेटिक परमिटिविटी और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से ही हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट जनरेट होता है और वहीं यहीं से ही आपको वेव के बारे में पता लगता है। तो इस रिजल्ट को फिलहाल टाइम आप याद रखेंगे, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इसको हम अच्छे से स्टडी भी करेंगे। तो ये था हमारे पास बायर्ड सेवर्स लॉ, जो हम किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसी बायर्ड सेवर्स लॉ को हम स्टेट कंडक्टर के लिए, लास्ट स्टेट कंडक्टर, इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर, फाइनाइट स्टेट कंडक्टर के लिए भी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो हमारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग वायर जो होगी उसके लिए भी हम इसकी हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों ही हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, अभी स्टडी नहीं करेंगे। अभी इससे रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना जो है, अगर हम इसको कूलम्स लॉ से रिलेट करके देखते हैं, तो हमारे पास जो कूलम्स लॉ जो आया था, F=μ0/4π(1/4πε0)Q1Q2/r² और ये जो हमारे पास आया DB=μ0/4πIdl(sin θ)r² ये फोर्स बताता है हमें किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है शॉर्ट करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, लेकिन ये फोर्स के लिए है और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। तो दोनों को अगर आप रिलेट करके याद रखना चाहो तो रिलेट करके भी आप इसे याद रख सकते हो। और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो बायर्ड सेवर्स लॉ जो है वो सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर जब हम इसके एप्लीकेशन स्टडी करेंगे तो इसको हम सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, एसिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहां पर आपको करंट की जो हमारे पास मीन मीडियन मोड जो हमारे पास ये जो तीन वैल्यू जो होती है, तो करंट के लिए जो हमारे पास जो तीन वैल्यू है मीन मीडियन मोड जब आपको एक ही पॉइंट पे देखने को मिलेगी, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो केवल हम उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बायर्ड सेवर्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, एसिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन का हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, इससे हम स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से तो हम इजीली हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वजह से हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, और दूसरे एलिमेंट के लिए इसे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अदर एलिमेंट के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करते हैं। तो इसकी हेल्प से हम आगे दो तीन एप्लीकेशन करेंगे, फिर उसके बाद एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसकी भी हम एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बायर्ड सेवर्स लॉ के बारे में। अब जो इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम करेंगे, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, आप भी अपनी बुक में पढ़ लेना उसको, दोनों ही कंसेप्ट आ जाएंगे। आपसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी पूछेगा, वो आपकी मैग्नीट्यूड की भी और साथ ही साथ डायरेक्शन भी पूछता है। क्या कहता है, आप पहले उसको पढ़ लो, समझ लो। वो आपसे कहता है कि आपके पास कोई स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसकी लेंथ आपको गिवन है ∇L=∇xi, मतलब एक्स एक्सिस के अलावा वो है, जिसकी डिस्टेंस कितना है, जिसकी आपके पास लेंथ कितनी है, डेल एक्स है, और वो ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है कुछ इस टाइप से, अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पर जिसकी लेंथ कितनी है, बिल्कुल छोटा सा डेल एक्स, वैल्यू भी गिवन है, डेल एक्स जो हमारे पास है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, इतना 1 सेंटीमीटर यहाँ पर उसकी लेंथ है, और इसमें करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपको इस करंट एलिमेंट, इस एलिमेंट की भी आपको डायरेक्शन वही लेकर के चलनी है। तो करंट जो पास हो रहा है लोग एक्स एक्सिस पास हो रहा है, और करंट जो है हमारे पास पास हो रहा है 10 एम्पियर। तो आपसे वो क्वेश्चन में पूछता है कि यहां से इस एलिमेंट से, करंट एलिमेंट से वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग किसी पॉइंट पी के ऊपर जो यहां से इस एलिमेंट से 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, यहां पर बताइए इस पॉइंट पी के ऊपर आपको कितना मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा इस करंट एलिमेंट की वजह से, और किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, ये दोनों ही चीजें आपको बतानी है। तो देखिए कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, जब हमारे पास वैल्यू आई DB=μ0/4π
IDL साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू हमें इसकी पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की टेन इज टू पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। आई आपको गिवन है 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है। डीएल भी गिवन है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब सारी चीजें आप एसआई सिस्टम में लेकर के चलोगे 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 इज टू पावर माइनस 2 मीटर या 0.01 मीटर। और थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपके पास करंट एलिमेंट इधर की डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपका पोजीशन वेक्टर इधर की डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस, एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो साइन थीटा यहाँ पर कितना हो गया साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो थीटा यहाँ पर कितना है 90। सारी वैल्यू पुट करके सोल्व करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 फील्ड इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई टेन इज टू पावर माइनस 7 आई 10 डीएल 0.01 means 10 is to power minus 2 sin theta sin 90 sin 90 that is equal to 1 upon r square r that is 0.5 so 0.5 into 0.5। तो इसे solve करेंगे तो हमारे पास क्या value आ जाएगी dear students, यहाँ पर आपके पास value आ जाएगी db is equal to 10 is to power minus 7 into 10 into 10 is to power minus 2 upon 5 into 5 into 10 is to power minus 2। ये आपके पास ये cancel, ये आपके पास आ गया db is equal to 2 by 5 into 10 is to power minus 7 or you can write it like 2 by 5 into 10 into 10 is to power minus 10, 10 से multiply कर दिया 10 से divide कर दिया तो उससे हमारे पास ये क्या हो जाएगा easily cancel out हो जाएगा db is equal to 4 into 10 raised to power minus 8 tesla। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से जिसकी लेंथ हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और जिसमें 10 एम्पीयर करंट पास हो रहा है, इससे आपको 0.5 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर आपको 4 into 10 raised to power minus 8 tesla का मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछता है कि डायरेक्शन किधर मिलेगी, वहां पर आपको इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको कहां मिलेगी आपको और बताना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म का। तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास क्या होती है db is equal to mu not upon 4 pi idl cross r upon r cube। तो dl हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स किस डायरेक्शन में है along i x axis, r हमारे पास किस डायरेक्शन में है along y axis that is j। तो i cross j हमारे पास क्या आ जाएगा k plus का k, plus k means along प्लस जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलेगा इस पॉइंट पी के ऊपर आपको इधर के डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव जेड एक्सिस के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे।